Hey guys! I hope you all are doing well. I am Iram Jaha and welcome back to our channel Jaha Education Zone. So, today we are going to solve exercise 3.1. Chapter name is Linear Equations in Two Variables and the author of this book is Dr. Sudhir Kumar Pundir. So, what are you waiting for? Let's get started. Sir, question number first is for what value of C the following system of linear equations have infinite number of solutions? मतलब यहाँ पर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन है दो लीनियर इक्वेजन हैं और यहाँ पर हमें सी की वैल्यू पता करनी है और यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने इन्फिनाइट एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन मतलब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कहाँ पर कौन सी कंडीशन हमें फॉलो करनी है तो उसमें मैंने पूरा चार्ट डिस्कस किया है इससे रिलेटेड तो उस वीडियो को पहले आप जाकर जरूर देखें फिर इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ओके यहाँ पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेजन है लीनियर इक्वेजन की जनरल फॉर्म क्या होती है ए एक्स प्लस बीवाई इक्वल सी या फिर ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ओके इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है तो यहाँ पर जो इक्वेजन हमारे पास है ये किस फॉर्म में है एक्स प्लस बीवाई इक्वल सी ओके और दोनों ही एक ही फॉर्म में है तो यहाँ पर हम इन को किसके साथ कंपेयर करेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन इक्वल सी वन और अगर सी की वैल्यू को आप रिप्लेस करना चाहो इन दोनों में तो कर सकते हो ओके अदरवाइज ये जैसे हैं वैसे इनको कंपेयर कर सकते हैं ये हो जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल सी टू फर्स्ट इक्वेजन के लिए हमें वन नोट करना होता है और सेकेंड इक्वेजन के लिए टू नोट करना होता है अब यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं दिस इज इक्वेजन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेजन नंबर सेकेंड अब यहाँ पर हमें ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू इनकी वैल्यूज को पता करना है इन इक्वेशंस को हमें इनके साथ कंपेयर करना होगा तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पता कर रहे हैं ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू और सी टू ओके यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को हमें किसके साथ कंपेयर करना है a1x एक्स प्लस बी वन वाईक्वल सी वन ओके यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म a1x एक्स और यहाँ पर टू एक्स ओके तो एक्स से एक्स मैच कर रहा है a1 की प्लेस में हमारे पास क्या है टू ओके okay. तो एक्स यहाँ पर नोट नहीं करेंगे यहाँ पर सिर्फ वही नोट करना है जो a1 की प्लेस में यहाँ पर a1 की प्लेस में क्या है सिर्फ टू ओके okay. इसी तरीके से बी वन वाई को हमें वाई वाली वैल्यूज के साथ कंपेयर करना होगा यहाँ पर बी वन की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री और ये पॉजिटिव है तो यहाँ कोई साइन नहीं रहेगा नेगेटिव होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा और इक्वल के बाद हमारे पास क्या है सी वन और सी वन किसके बराबर होगा टू के बराबर ये भी इक्वल के बाद है यहाँ पर सी वन कितना है टू अब इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को हमें किसके साथ कंपेयर करना है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल सी टू ओके यहाँ पर क्या है ए टू एक्स और यहाँ पर c प्लस टू ब्रैकेट में और x x से x यहाँ पर मैच कर रहा है तो यहाँ पर a2 की प्लेस में हमारे पास क्या है c प्लस टू अब c प्लस टू के आगे तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर हमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है तो इसे हम विदाउट ब्रैकेट भी नोट कर सकते हैं ओके और आप जैसे नोट करना चाहो वैसे कर सकते हो इसी तरीके से बी टू वाई तो बी टू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है जितनी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है ओके यहाँ पर क्या है टू सी प्लस वन और इसे भी हम विदाउट ब्रैकेट नोट कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे हमें किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं करना है ओके okay? और इसके बाद है सी टू सी टू की प्लेस में हमारे पास क्या है जितना कुछ भी दिया गया वो सब सी टू है यहाँ पर क्या है टू और ब्रैकेट में सी माइनस वन तो इसे हम विदाउट ब्रैकेट नहीं नोट कर सकते क्योंकि यहाँ पर आगे टू है तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा तो यहां पर हमें ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू इनकी वैल्यूज पता चल गई क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है और जिसकी हेल्प से हमें क्या पता करना है सी की वैल्यू यहाँ पर हमें सी की वैल्यू पता करनी है कि सी कितना है टू थ्री फोर फाइव कितना है ओके okay. क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस में हम कौन सी कंडीशन फॉलो करते हैं ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू यहाँ पर सभी आपस में बराबर होते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे सोल्यूशंस आते हैं ओके और लाइन्स कैसी होती है को अब यहाँ पर ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू इन सब की वैल्यूज को पुट करना होगा ए वन की जगह पर हम क्या नोट करेंगे टू और ए टू किस बराबर है यहाँ पर सी प्लस टू के बराबर तो यहाँ पर ए वन और ए टू की वैल्यू हमने पुट कर दी अब इसी तरीके से बी वन की प्लेस में हम क्या नोट करेंगे थ्री और बी टू की प्लेस में हमें क्या नोट करना होगा टू सी प्लस वन ओके और सी वन की प्लेस में हमारे पास क्या है टू और सी टू की प्लेस में हमारे पास है टू और ब्रैकेट में सी माइनस वन अब यहाँ पर इन सभी वैल्यूज में सी है और इस सी की वैल्यू को हमें पता करना है इन तीनों वैल्यूज में से कोई भी दो वैल्यूज को हमें कंपेयर करना होगा ओके तो यहाँ पर मैं फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों वैल्यूज को पहले कंपेयर कर रही हूँ फिर इसके बाद सेकेंड और थर्ड को भी हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर सब आपस में बराबर है तो आंसर भी यहां पर सेम आएगा तो जब आंसर सेम आएगा तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन करेक्ट है ओके okay? यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू अभी वैसे नोट करते हैं टू बाय सी प्लस टू इक्वल इसे मैं सेकेंड वैल्यू के साथ कंपेयर कर रही हूँ आप इसे थर्ड वैल्यू के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कोई भी दो वैल्यूज को आप कंपेयर कर सकते हैं ओके फर्स्ट सेकेंड या सेकेंड थर्ड या फिर फर्स्ट थर्ड जिसे आप कंपेयर करना चाहो कर सकते हो तो यहाँ पर मैं फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों वैल्यूज को पहले कंपेयर कर रही हूँ ये हो जाएगा थ्री अपॉन टू सी प्लस वन अब इसी तरीके से मैं सेकंड और थर्ड इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रही हूँ सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है थ्री अपॉन टू सी प्लस वन इक्वल थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है टू अपॉन टू ब्रैकेट में सी माइनस वन अब यहाँ पर चाहे इक्वल का साइन हो या फिर इक्वल नॉट का यहाँ पर हमेशा हमें क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई जिससे हम सी की वैल्यू को पता कर सकेंगे ओके यहाँ पर टू ही रहेगा और दूसरे साइड जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसे हमें न्यूमिनेटर में नोट करना होगा यहाँ पर ये डिवाइड में है दूसरे साइड जाकर किस में कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हाइड रहेगा यहाँ पर हमें ब्रैकेट में नोट करना होगा टू सी प्लस वन क्यूँकी यहाँ पर एक से ज्यादा टर्म है इन दोनों ही टर्म में हमें टू से मल्टीप्लाई करना होगा इसलिए हम यहाँ पर इसे ब्रैकेट में नोट करेंगे और अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहो तो यहाँ पर आ जाएगा फोर सी प्लस टू ओके तो आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो इसी तरीके से यहाँ पर थ्री वैसे ही नोट करेंगे और यहाँ पर भी एक से ज्यादा टर्म है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर हमें क्या नोट करना होगा ब्रैकेट में सी प्लस टू अब यहाँ पर सेमी कॉल ऑन वैसे रहेगा अब इसी तरीके से यहाँ पर भी सेंटर में कौन सा साइन है इक्वल का तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ओके यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसे हमें न्यूमिनेटर में नोट करना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री और ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा सी माइनस वन ओके okay? क्योंकि यहाँ पर टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर टू वन जारो टू वन नोट कर सकते हैं और सेंटर में जो भी साइन है उसे वैसे ही नोट करना होगा यहाँ पर इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन रहेगा अब इसी तरीके से टू सी प्लस वन को भी हमें रिप्लेस करना होगा वन से मल्टीप्लाई करने पर यह चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर हम डायरेक्ट टू सी प्लस वन नोट कर सकते हैं क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी चेंज नहीं होगा अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो हो जाएगा सी, तो तो गया फोर, सी। अब यहाँ पर क्या है प्लस का तो प्लस का का साइन साइन बनाएंगे और टू का मल्टीप्लाई हमें किस में करना होगा वन में तो ये हो जाएगा टू ओके इन दोनों ही टर्म में हमें टू से मल्टीप्लाई करना है अब इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों टर्म में हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम थ्री का मल्टीप्लाई सी में करेंगे ये हो जाएगा थ्री सी प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा फिर थ्री का मल्टीप्लाई हम टू में करेंगे हो थ्री टू जार सिक्स और इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना होगा यहाँ पर पहले थ्री का मल्टीप्लाई सी में करेंगे ये हो जाएगा थ्री सी अब थ्री का मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे ये हो जाएगा थ्री वन हजार थ्री ये हो जाएगा माइनस थ्री इक्वल टू सी प्लस वन वैसी रहेगा अब यहाँ पर एल एच एस में हमारे पास क्या है फोर सी प्लस टू और आर एच एस में हमारे पास है थ्री सी प्लस सिक्स तो यहाँ पर जिन वैल्यूज के साथ अल्फाबेट है उसे एक साइड नोट करेंगे और विदाउट अल्फाबेट मतलब जो वैल्यूज कॉन्स्टेंट है इनको अलग नोट करेंगे ओके यहाँ पर फोर सी है यहाँ पर फोर सी अभी वैसे ही नोट कर देते हैं और थ्री सी है यहाँ पर इसे हम रिप्लेस करेंगे फोर सी के पास ये हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि आरएचएस में कैसा है पॉजिटिव ओके अब इसी तरीके से यहाँ पर सिक्स ही रहेगा यहाँ पर सिक्स के साथ क्या रहेगा टू क्योंकि ये सेम नेचर में है ओके यहाँ पर ये यह हो जाएगा माइनस टू और यहां पर भी इसी तरीके से सेम वैल्यूज को एक साइड करेंगे यहाँ पर थ्री सी वैसी रहेगा और टू सी बी सी नेचर का है तो ये हो जाएगा नेगेटिव टू सी ओके क्योंकि टू सी को हम यहां से रिप्लेस कर रहे हैं अब वन वैसे रहेगा और यहाँ से माइनस थ्री रिप्लेस होगा ये किस में कन्वर्ट होगा प्लस थ्री में ओके यहां पर भी सी सी मतलब अल्फाबेट वाली वैल्यूज एक साइड हो गई और बिना अल्फाबेट वाली वैल्यूज एक साइड अब यहां पर फोर सी है और यहां पर थ्री सी इन दोनों को हमें माइनस करना है क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है फोर में से थ्री माइनस करेंगे कितने सी बचे हमारे पास वन तो वन टाइम सी नोट कर देंगे सिक्स में से टू माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास फोर तो यहां पर सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई फोर अब यहां पर क्या है थ्री सी और यहां पर टू सी इन्हें माइनस करना है थ्री में टू माइनस करेंगे यहां पर वन टाइम सी बचेगा और थ्री और वन इन दोनों को ऐड करना है ये कितना हो जाएगा फोर दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आई फोर ओके तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है एंड दिस इज आर फाइनल आंसर नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी हमें सी की वैल्यू पता करनी है और यहाँ पर भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यहाँ पर दोनों ही इक्वेशंस हमारे पास किस फॉर्म में है एक्स प्लस बीवाई इक्वल सी यहाँ पर इनकी जनरल फॉर्म क्या होगी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल सी वन ओके और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल सी टू यहाँ पर सी माइनस वन ब्रैकेट में है और एक्स माइनस वाई इक्वल फाइव इसे हम इसे हम इक्वेशन फर्स्ट और सी प्लस वन एक्स और वन माइनस सी वाई थ्री सी प्लस वन इसे हम इक्वेशन सेकंड अज्यूम कर सकते हैं तो यहां पर हम नोट कर सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाईक्वल सी वन एंड इक्वेजन सेकेंड विथ ए टू एक्स प्लस बी टू वाईक्वल सी टू अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही है ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू इनकी वैल्यूज को हमें पहले पता करना होगा ए वन यहाँ पर किसके बराबर है सी माइनस वन ओके एक्स से एक्स मैच कर रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये पूरी क्या है ए वन तो यहाँ पर हम इसे विदाउट ब्रैकेट भी नोट कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है ओके अब इसी तरीके से बी वन में y मैच कर रहा है बी वन की प्लेस में कुछ भी नहीं है जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर वन हाइड होगा और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी नोट करेंगे अब यहाँ पर क्या है सी वन सी वन की प्लेस में हमारे पास क्या है फाइव यहाँ पर हम फाइव नोट करेंगे अब इसी तरीके से ए टू एक्स ए टू की प्लेस में हमारे पास क्या है ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू मतलब सी प्लस वन ओके तो इसे हम विदाउट ब्रैकेट नोट कर सकते हैं अब बी टू B2 की प्लेस में हमारे पास क्या है 1 माइनस सी इसके बाद है C2 C2 की प्लेस में हमारे पास क्या है 3C सी प्लस वन अब यहाँ पर भी हम सेम कंडीशन नोट करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी इंफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है यहाँ पर हमें नोट करना होगा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू अब ए वन किसके बराबर है सी माइनस वन की यहाँ पर हम नोट कर देंगे ए वन की जगह पर सी माइनस वन ए टू की जगह पर हमारे पास क्या है सी प्लस वन हो जाएगा सी प्लस वन इक्वल बी वन की प्लेस में हमारे पास क्या है माइनस वन बी टू की प्लेस में हमारे पास क्या है वन माइनस सी इक्वल सी वन की प्लेस में हमारे पास क्या है फाइव और सी टू की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री सी प्लस वन अब यहाँ पर हमें कोई भी दो वैल्यूज को कंपेयर करना होगा ओके यहाँ पर मैं फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों वैल्यूज को सबसे पहले कंपेयर कर रही हूं आप जैसे कंपेयर करना चाहो उसे कर सकते हो ओके वैल्यूज लेकिन हमेशा दो ही होंगी इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू को कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो मैं यहाँ पर सेकेंड और थर्ड वैल्यू को कंपेयर कर रही हूँ ओके और यहाँ पर सभी वैल्यूज आपस में बराबर हैं तो आंसर दोनों में ही सेम आएगा यहाँ पर माइनस वन अपॉन वन माइनस सी रहेगा इक्वल फाइव अपॉन थ्री सी प्लस वन वैसी रहेगा अब इसके बाद हमें अलग अलग क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों ही सिचुएशन में ओके okay? और सी की वैल्यू पता करनी होगी यहाँ पर सी माइनस वन है यहाँ पर वन माइनस सी है दोनों अलग है यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये वन माइनस सी में कन्वर्ट हो जाएगा ओके okay? फिर ये हो जाएगा वन माइनस सी होल स्क्वायर तो अगर आप इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करके सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो ओके okay? मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगी यहाँ पर ये यह हो जाएगा सी माइनस वन और फिर ब्रैकेट में वन माइनस सी क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही एक से ज्यादा टर्म है तो दोनों को हमें ब्रैकेट में नोट करना होगा अब इसी तरीके से सी प्लस वन यहाँ से रिप्लेस होगा और यहाँ पर क्या है माइनस का साइन माइनस का साइन नोट करेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा सी प्लस वन ओके वन नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ये चेंज नहीं होगा लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इसके साइन बदल जाएंगे माइनस हमें नोट करना है ओके okay? और यहाँ पर भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वन से मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी चेंज नहीं होगा लेकिन माइनस यहाँ पर हमें नोट करना होगा और ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा थ्री सी प्लस वन क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएंगे ओके इक्वल फाइव वैसे रहेगा और वन माइनस सी को भी हमें यहाँ पर रिप्लेस करना होगा रिप्लेस करने पर इसे भी हम ब्रैकेट में नोट करेंगे क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है अब डिनोमिनेटर से दोनों वैल्यूज यहाँ पर भी हट गई और यहाँ पर भी हट गई अब यहाँ पर इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई हमें ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज में जो दूसरे ब्रैकेट में है इसमें करना होगा सबसे पहले हम सी का मल्टीप्लाई वन में करेंगे कितना आएगा हमारे पास सी फिर सी का मल्टीप्लाई माइनस सी में करना होगा ये हो जाएगा माइनस सी और सी की पावर टू मल्टीप्लाई करने पर पावर एड होती है अब सी का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में हो गया अब माइनस वन का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना होगा ओके तो माइनस वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे ये चेंज नहीं होगा माइनस वन ही रहेगा अब इसी तरीके से माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस सी में करना होगा माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा प्लस में सी और वन इनका मल्टीप्लाई करने पर सी वैसे ही रहेगा यहाँ पर भी माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज में करना होगा तो यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस सी और माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में यह हो जाएगा माइनस वन और ब्रैकेट यहां से हट जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सी पॉजिटिव था कैसा हो गया नेगेटिव और इसी तरीके से वन भी पॉजिटिव था कैसा हो गया नेगेटिव यहाँ पर भी सेम वैसी है यहाँ पर भी माइनस वैसी रहेगा पहले थ्री सी में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री सी हो जाएगा माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में और वन वैसी रहेगा अब यहाँ पर फाइव से मल्टीप्लाई करना होगा वन और सी दोनों में तो पहले वन में करेंगे फाइव आ जाएगा माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नोट करेंगे फाइव का मल्टीप्लाई सी में करने पर यह हो जाएगा फाइव सी अब पहले एल एच एस सोल्व करते हैं यहां पर सी है यहाँ पर भी सी है दोनों पॉजिटिव हैं तो टोटल कितने सी हो गए टू सी अब यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर वैसी रहेगा कहीं पर भी एल में हमारे पास सी स्क्वायर नहीं है और वन भी अभी वैसे ही नोट कर देते हैं कहीं पर और न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं है एल में आर की वैल्यू को अभी वैसे ही नोट करते हैं यहाँ पर माइनस सी और माइनस वन ही रहेगा अब यहां पर एल में हम और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते तो सी वाली वैल्यूज को एक साइड और विदाउट सी वाली वैल्यूज को एक साइड नोट करेंगे ओके okay? तो लेट सपोज यहाँ पर थ्री सी हम वैसे ही नोट कर देते हैं तो आर एच एस से फाइव सी को हमें रिप्लेस करना होगा ओके फाइव सी कैसा है नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस फाइव सी अब यहाँ पर फाइव ही रहेगा और एल एच एस से हमें माइनस वन को रिप्लेस करना होगा माइनस वन किस में कन्वर्ट होगा प्लस वन में अब यहाँ पर हमारे पास सी है सी स्क्वायर है एल एच एस में तो किसी एक को ही हम नोट करेंगे तो यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर वैसी नोट कर देते हैं इक्वल और इसके साथ एल एच एस में जितनी भी वैल्यूज हैं इसे हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर क्या है टू सी ये कैसा है पॉजिटिव दूसरे साइड जाकर किस में कन्वर्ट होगा माइनस में इसी तरीके से यहाँ पर माइनस वन है किस में कन्वर्ट होगा प्लस वन में और आरएचएस की वैल्यूज को भी हमें नोट करना होगा इसे भूलना नहीं है ओके okay, तो यहाँ पर माइनस सी और माइनस वन भी रहेगा सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास क्या है फाइव सी और थ्री सी इन दोनों को हमें माइनस करना होगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव फाइव में थ्री माइनस करेंगे कितने सी बचे टू सी और बड़ी वैल्यू कैसी है पॉजिटिव तो यहाँ पर कोई साइन नहीं रहेगा अब फाइव और वन इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास कितना आएगा सिक्स अब फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास क्या है माइनस सी स्क्वायर इसे वैसे नोट करेंगे यहाँ पर माइनस टू सी है और यहाँ पर माइनस सी है मतलब एक बार सी है यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है दोनों को हमें ऐड करना होगा तो टू और वन इन दोनों को ऐड करने पर टोटल सी कितने होगा यहाँ पर थ्री सी ओके और बड़ी वैल्यू कैसी है नेगेटिव तो यहाँ पर माइनस का साइन भी रहेगा इसके बाद यहाँ पर है प्लस वन और यहाँ पर माइनस वन तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जीरो में कन्वर्ट होंगे ओके तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ पर आप एट सिंपलाइज का साइन भी बना सकते हैं अब यहाँ पर सी की पावर टू है जिसका मतलब है सी इंटू सी ओके और यहाँ पर क्या है इक्वल के बाद थ्री सी तो सी से सी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी पावर हट जाएगी और साथ ही साथ यहाँ से माइनस भी हट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा सिर्फ सी इज इक्वल टू थ्री ओके एक सी से एक सी यहाँ पर कैंसिल हो गया टोटल सी कितने हैं टू तो वन सी यहाँ पर बचेगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा थ्री ओके तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई थ्री और सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर सी रहेगा और सिक्स बाय टू हो जाएगा ये टू मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड जाकर डिवाइड में कन्वर्ट होगा ये थ्री टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर सी किसके बराबर है ये हमें पता करना था तो यहाँ पर सी दोनों ही सिचुएशन में किसके बराबर आया थ्री के बराबर एंड दिस इज आर फाइनल आंसर थर्ड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर भी हमें सी की वैल्यू पता करनी है और यहाँ पर भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेजन्स है अब यहाँ पर ये यह दोनों इक्वेजन्स हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म में है यहाँ पर इन इक्वेजन्स के लिए जनरल फॉर्म क्या होगी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो और अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी के फॉर्मेट में भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड इक्वेशन सेकेंड विद ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर भी हमें इसे कंपेयर करना होगा और ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू इनकी वैल्यूज को पता करना होगा यहाँ पर क्या है ए वन एक्स और यहाँ पर सी एक्स तो ए वन की प्लेस में हमारे पास क्या है सी इसी तरीके से यहाँ पर क्या है बी वन वाई और यहाँ पर थ्री वाय बी वन की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री और सी वन की प्लेस में हमारे पास क्या है माइनस और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है सी माइनस थ्री ओके y के बाद जितना कुछ भी है वो सब क्या है c अब इसके बाद इक्वेशन सेकंड में हमारे पास क्या है ए टू एक्स ए टू की प्लेस में हमारे पास क्या है ट्वेल्व इसी तरीके से बी टू वाई यहाँ पर बी टू की प्लेस में हमारे पास क्या है सी और सी टू की प्लेस में हमारे पास क्या है माइनस सी ओके माइनस के साइन को इग्नोर नहीं करना है यहां पर भी हमें कौन सी कंडीशन फॉलो करनी होगी ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू क्योंकि यहाँ पर भी इंफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है ओके okay? अब यहाँ पर ए वन किसके बराबर है सी के और ए टू किसके बराबर है ट्वेल्व के ये हो गया सी अपॉन ट्वेल्व इक्वल बी वन किसके बराबर है थ्री के, के. के, के और बी टू किसके बराबर है सी के सी वन किसके बराबर है माइनस ब्रैकेट में सी माइनस थ्री के और सी टू किसके बराबर है माइनस सी के यहाँ पर माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं अब यहां पर भी हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना है तो कोई भी दो वैल्यूज को आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर सभी में सी है यहां पर मैं फर्स्ट और सेकंड इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रही हूँ ओके ये हो जाएगा सी बाय ट्वेल्व इक्वल थ्री बाय सी और अगर आप इससे डायरेक्ट आंसर निकालना चाहो तो डायरेक्ट आ जाएगा और अगर आंसर को चेक करना चाहो तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हो ओके तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को मैं कंपेयर कर रही हूं आप फर्स्ट और थर्ड भी कर सकते हो यहाँ पर हो जाएगा थ्री बाय सी इक्वल क्योंकि ये सब आपस में बराबर है ओके तो यहां पर क्या है सी माइनस थ्री अपॉन सी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पर अगर आप इस साइन को लेकर कंफ्यूज हो तो यहाँ पर आप एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो ओके अब सी का मल्टीप्लाई हमें सी से करना होगा और ट्वेल्व का थ्री से क्योंकि यहाँ पर हम कौन सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ से डिनोमिनेटर की वैल्यूज को हटाना होगा तो यहाँ पर सी की पावर टू हो जाएगी या फिर आप सी इंटू सी भी नोट कर सकते हैं और यहाँ पर क्या होगा थ्री इंटू ट्वेल्व और डायरेक्ट थर्टी सिक्स भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं ओके अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा सेकेंड सिचुएशन में तो हो जाएगा थ्री सी इक्वल और यहाँ पर सी ही रहेगा ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा सी माइनस थ्री क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है और यहाँ पर सी का स्क्वायर वैसे ही रहेगा इक्वल ट्वेल्थ थ्री हजार थर्टी सिक्स सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास थ्री सी वैसे रहेगा सी का मल्टीप्लाई पहले सी में करेंगे हो जाएगा सी स्क्वायर फिर माइनस थ्री का मल्टीप्लाई सी में करेंगे हो जाएगा थ्री सी पहली सिचुएशन में हमारे पास क्या है सी स्क्वायर थर्टी सिक्स को भी हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा फिर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अगर आपको नहीं पता कि इसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है तब आप इस स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पर ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ओके जब ये रूट में कन्वर्ट होगा तो थर्टी सिक्स को आप प्राइम फैक्टराइज करना प्राइम फैक्टराइजेशन में जिस भी डिजिट का पेयर बन रहा हो उसे आपको एक बार नोट करना होगा और उन सभी का मल्टीप्लाई करना होगा तब भी आपके पास सिर्फ सी की वैल्यू आ जाएगी ओके तो आप इसे जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे कर सकते हो यहाँ पर मैं सी स्क्वायर वैसे नोट कर रही हूँ और थर्टी सिक्स किसका स्क्वायर होता है अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो प्राइम फैक्टराइज करके आप सॉल्व कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्स और यहाँ पर आप डायरेक्ट सिक्स का स्क्वायर भी नोट कर सकते हैं अब यहाँ पर सी स्क्वायर वैसे रहेगा और सिक्स भी यहाँ पर स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है ओके तो स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल होगा यहाँ पर यह साइन बना देंगे इससे पता चलेगा यहाँ पर टू से टू कैंसिल हो गया और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है सिक्स सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास क्या है एल में हमारे पास थ्री सी है और आर में भी थ्री सी है इसे हम रिप्लेस कर देंगे ये हो जाएगा प्लस थ्री सी और आर में अब हमारे पास क्या बचा सी स्क्वायर अब थ्री सी और थ्री सी ये दोनों ऐड हो जाएंगे टोटल कितने सी हैं सिक्स सी और यहाँ पर सी स्क्वायर है तो यहां पर भी आप एट सिंपलाइज का साइन बना सकते हैं इसका मतलब क्या है सी से सी यहाँ पर कैंसिल हो गया यहाँ पर सी की पावर टू मतलब सी इन टू सी है तो एक सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर सिर्फ एक बार सी बचेगा और यहाँ पर सिर्फ सिक्स बचेगा क्योंकि सी से सी कैंसिल हो गया तो यहां पर भी हमारे पास क्या आया सी इज इक्वल टू सिक्स और अगर आप यहाँ पर पावर और सीन दोनों को कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो तब भी यहाँ पर सी इज इक्वल टू सिक्स आएगा ओके तो आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर